पुराना सा है, मतलब माँ पिता का किरदार है इसमें भी, और ये अच्छी बात है कि नए हीरो लोगों के साथ मैं उनके पिता के रोल में आता हूँ और अच्छा लगता है। इनका वीडियो देखा है मैंने, जो हमारे हीरो साहब हैं, बहुत से वीडियो हैं यूट्यूब पर और मैं बहुत प्रभावित हुआ इनके काम को देख के। मेरी शुभकामनाएँ हैं। रोया जी के बारे में मैं बहुत जानता नहीं हूँ, बाकी मिलजुल के बात करके बहुत अच्छा लगा और उनको भी शुभकामना है। रस सर मेरे बहुत ही सीनियर निर्देशक हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं और उनके साथ काम करने का बहुत अच्छा अनुभव रहता है। उनकी पिछली फिल्म काजल में भी मैं था। ये किरदार मेरा थोड़ा थोड़ा ग्रे शेड लिए हुए है, जैसा कि बहुत सी पिछली फिल्मों में मैं कर चुका हूँ, और अच्छी बात यह है कि वो सारी फिल्में पिछली चली हैं अच्छी। उम्मीद करता हूँ कि ये नवोदित कलाकारों के साथ ये फिल्म भी अच्छी चले। रज जी के साथ काम करने का बहुत अच्छा अनुभव रहता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो इस फिल्म से खाली एक रोमांटिक लव स्टोरी होगी, लव स्टोरी होगी, या फिर इसके माध्यम से टीनेजर को कोई मैसेज भी जाएगा? नहीं, मैसेज तो है। और ब्रसर जो भी फिल्म बनाते हैं उनकी पिछली सारी फिल्मों को ले लीजिए, समाज के लिए कोई ना कोई संदेश ज़रूर रहता है। इसमें भी संदेश है, अब वो क्या संदेश है ये तो अच्छी तरह हमारे निर्देशक महोदय ही बता पाएंगे या निर्माता बता पाएंगे। उनकी भी पहली फिल्म है निर्माता महोदय की, तो उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ इस फिल्म के लिए। अनुप जी, लव मैरिज को कितना सपोर्ट करते हैं? बहुत सपोर्ट करता हूँ, और लव मैरिज होनी ही चाहिए। दोनों में क्या फ़र्क होता है, अरेंज और लव में? वही छोटी सी पुरानी घिसी पिटी बात है कि लव मैरिज में पहले लव हो जाता है बाद में शादी होती है, और अरेंज मैरिज में पहले शादी हो जाती है बाद में लव होता है। आपका क्या है, लव या अरेंज आपका? हमारी तो लव मैरिज है। लव मैरिज, हाँ। मैडम बारे में कुछ बताएंगे? फिल्म मैरिज मैरिज लव, मैं अपने परिवार को फिल्म में कभी नहीं लाता। आप मुझे कभी भी फेसबुक पर नाम नहीं बताए, नाम नहीं बता सकते, उसको बता सकते हैं। कभी फेसबुक पर भी आपने फोटो नहीं देखी? मैं परिवार को और फिल्म लाइन को दोनों को एकदम, तो यहाँ अपना एक अलग परिवार है। अनुप जी, फिल्म लाइन में भी आपका परिवार है, उनके बारे में बता। नहीं, तो मैं तो कह रहा हूँ कि दोनों एक अलग अलग परिवार है। अच्छा, और यहाँ का परिवार है उसके बारे में जो भी पूछिए मैं बताने को तैयार हूँ। हाँ, मेरी मैडम बनारस में ही रहती हैं, मेरे दो बेटे हैं, वो लोग अपने अपने कार्यरत हैं। इस वक्त खेसारी जी बिग बॉस में है, कभी देखा आपने बिग बॉस? वैसे तो मैं 4-5 बिग बॉस के सीजन के बाद धीरे धीरे देखना कम कर दिया, क्योंकि बहुत ही, मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे बहुत घटिया लग रहा है वो। 2-4 दिन देखा मैंने खेसारी जी के कारण, मज़ा नहीं आ रहा। एक तो जाने पहचाने चेहरे नहीं हैं, पहले जो गंभीरता रहती थी बिग बॉस में वो अब बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो केसारी जी से आप, केसारी जी के लिए आप अपील करना चाहेंगे जनता से? कर दिया अपील, कर दिया, वोट दे दिया, अपील कर दिया, और क्यों नहीं करूंगा? अपने बीच का बच्चा है तो क्यों नहीं करूंगा उसके लिए? भाई हमारे भोजपुरी समाज का जुड़ा हुआ है, वो गया है, उसके लिए अपील ही अपील है। और आगे भी इस बार तो जी मतलब नॉमिनेट होकर बाहर नहीं निकलेगा, आगे भी उसको वोट देते रहें जब भी नॉमिनेशन उनका, ये मैं अपील करता हूँ। फिल्म के डायरेक्टर क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? कहना क्या, मैंने इतनी बात कह दी, बहुत सीनियर हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं, और हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि उस दौर के बहुत कम निर्देशक बचे हैं जो इस ढंग से काम करते हैं। उसमें ब्रजभूषण जी हैं जो लगातार फिल्में बना रहे हैं। और सिनेमा के अलावा और कुछ करना चाहेंगे? कौन आप, पॉलिटिक्स में? मुझे कुछ आता ही नहीं, ऐसे मुझे यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा तो मैं कुछ कर ही नहीं। बहुत अच्छे पॉलिटिशियन लगते हैं आप? नहीं, वो रोल में लगता हूँ, तो आप जो दीजिए करूँगा। मतलब अच्छा, अगर कोई पार्टी आपको अपने पार्टी में बुलाती है तो क्या आप उसके लिए? भाजपा में जाऊँगा, और किसी में? भाजपा ही क्यों जाएंगे आप, क्या वजह? मुझे अच्छा लगता है, शुरू से मैं जनसंघ में बचपन से काम कर रहा हूँ। कौन सी विचारधारा आपको जोड़ती है भाजपा? विचारधारा जोड़ती है, एकजुटता जोड़ती है। इतना बड़ा संगठन और किसी पार्टी का हो तो बताइए, जो एकदम जमीन से शुरू हो गया आसमान तक पहुँच गया हो। जितने लोग मेंबर हैं इसमें, जो प्रतिबद्धता है, आरएसएस का काम करने का ढंग है, सबका अच्छा लगता है। कोई कुछ भी कहे, अपना अपना अपनी अपनी सोच है ये। अपकमिंग फिल्में जो रिलीज हैं आपकी? भाई फिल्में इतनी हैं कि नाम एक दो का भूल भी जाऊँ तो बुरा मत मानिएगा। अभी विजेता की डबिंग करनी है,
विवाह, एक विवाह ऐसा भी, दिल का रिश्ता, और अभी बंसी बिरजू कंप्लीट की है, जुग जुग जियो मेरे लाल, बहुत सी फिल्में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमको बताने के लिए। और संजय भूषण जी को बंद मत करिए आप लोग कैमरा, हमारे प्रिय मित्र स्टार प्रचारक हम लोगों के संजय भूषण जी की शादी है 23 नवंबर को। 24 को हो गई है बदल नहीं हमको तो उन्होंने बदल गई, रिलीजिंग डेट थी क्या कि आगे पड़ गई, चलिए 24 को ही है, जब भी है। तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ सारे चैनल्स पर, इनको बधाई वैसे भी मिलेगी, बड़े बड़े स्टार लोग जाएंगे, मैं काम में फंसा हूँ इसलिए जा नहीं पाऊँगा, इसलिए इनको आप लोगों के माध्यम से बधाई दे दे रहा हूँ और क्षमा भी मांग ले रहा हूँ कि मैं नहीं आ पा रहा। वजह क्या है कि आप नहीं जाएंगे? इनकी एक नाम राशि है संजय श्रीवास्तव जी, उनकी एक फिल्म में बिजी हूँ बस, और क्या वजह हो सकती है हम लोगों की? तो वक्त नहीं निकाल सकते आप शादी में जाने के लिए? नहीं, अगर संजय जी छुट्टी दे दें संजय जी के लिए तो मैं चला जाऊँगा संजय जी के।